प्यार को क्यों धिक्कारे। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अंधकार को क्यों धिक्कारे, दीप जलाए, दीप जलाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो प्रतिभागी हैं, वे निरक्षर तो हैं पर अज्ञानी नहीं। जीवन के अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। अपने अपने क्षेत्र में वे अनुभवी हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, अपना व्यक्तित्व है, अपना मान सम्मान उन्हें उतना ही प्यारा है जितना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को। अपने संपर्क में आई हुई हर वस्तु को वे जानते हैं, समझते हैं, पर अंतर इतना है कि वे पढ़ लिख नहीं सकते। चलने की ताकत उनमें है, पर उन्हें सही राह दिखाने वाला चाहिए। उनकी इच्छाएं तो हैं पर सोई हुई, उन्हें जगाने वाला चाहिए। इसी जटिल कार्य को करने का पूरा उत्तरदायित्व हमारे अनुदेशकों का है। आज हम पहला अक्षर आप लोगों को सिखा रहे हैं, देखो है गा। गा से गगरी। यहाँ देखिए आप लोग, ये बना हुआ है गगरी, जिसमें पानी भरा जाता है। और दूसरा अक्षर है ये घा। देखा आप लोगों ने, घा से घर। लिखिए लिखिए, लिखो। हाँ हाँ, कोशिश करिए आप लोग, आप भी लिखिए, लिखो भैया। हाँ, ये देखो गा। लिखो, क्या बात धनराम भैया, लिखो आप लिखो। ये हमसे ना हो ये भैया। अरे काहे भैया, ये का हमका का खा गा गा के तरह पढ़ाता हो, जैसे छोट स्कूल के बच्चे पढ़ाते हैं। ये तरह पढ़िए तो कैसे हम ना। आप देखो धनराम भैया, आप इन अक्षरों को जानते तो हो लेकिन लिखना और पढ़ना नहीं जानते, तो पहले इन अक्षरों को पहचानना सीखो, फिर आप सीख पाएंगे कि का कैसे लिखा जाता है और खा कैसे लिखा जाता है। किस तरह और छोटे बच्चों की तरह नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा धनीराम भैया, ठीक है, एक रे मतलब ठीक। अच्छा तो आप सब लोग किसान हो? हाँ, किसान शब्द से तो आप लोग परिचित हो गए ना। हाँ, तब हम आपको किसान शब्द लिखना सिखा रहे हैं। देखो धनीराम भैया, पहले इसको मिटा दे। का में छोटी ई की मात्रा, की ये हो गया सा। सा में आ की मात्रा, ये ना। किसान, अब ठीक है धनीराम भैया, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ तो इसको देख देख करके आप लोग लिखिए, लिखो भैया। हाँ लिखो, आप लिखो भैया। प्रौढ़ों की मानसिकता समझे बगैर उन्हें पढ़ाना बेकार है। उनके पास अपने अनुभव हैं, वे बोल सकते हैं पर लिख पढ़ नहीं सकते। इसके लिए हमें उन्हें अक्षर ज्ञान देना होगा, और अक्षर ज्ञान देने के लिए हमें नए तरीके ढूंढने होंगे। आइए इकबाल भैया, यहाँ तशरीफ लाइए। बताइए। लिखिए पपीता।
देखिए देखा ना इकबाल मियां, आज फिर आपने गलत लिख दिया। अच्छा आप बैठिए अपनी जगह। हाँ भाई लखनपाल आप आइए, आप लिखिए, देखिए आप कैसा लिखते हैं। अच्छा आप बैठ। अरे उबाल भैया क्यों नाराज होते हैं भाई, मेहनत करिएगा तो धीरे धीरे आप भी लिखना पढ़ना सीख जाइएगा। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अनुदेशक जी जरा सुनिए तो। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या आप बता सकते हैं आपके केंद्र में कैसे प्रतिभागी आते हैं? जी अधिकतर प्रतिभागियों की उम्र यही 22 से 26 साल के बीच में है, जिनमें से 3 तो 30 या 35 साल के हैं, और हमारे सारे प्रतिभागियों में से 10 किसान हैं, 5 खेतिहर मजदूर हैं, और 2 बढ़ई हैं, 1 लोहार है, बाकी 3-4 लोग हैं उन्हें जब काम मिलता है मजदूरी इधर उधर कर लेते हैं। अच्छा, तो प्रतिभागियों को समझने का आपका नजरिया यही है? जी और हो भी क्या सकता है। प्रतिभागियों को समझने के लिए उनकी उम्र, उनका परिवार, आर्थिक और सामाजिक स्तर ही काफी नहीं है। अच्छा तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति देखनी चाहिए। जी मैं समझा नहीं। हर प्रतिभागी की मानसिक स्थिति अलग अलग है। अब इकबाल भाई को ही ले लो, वे पढ़ने में कमजोर है इसलिए अपने सामने किसी की तारीफ सह नहीं पाते। नत्थू सिंह और भोलाराम जिन्हें आप कुछ भी कह दो वे बुरा नहीं मानेंगे। धनीराम जो पढ़ने के लिए उत्सुक तो है पर इस ढंग से वे पढ़ना नहीं चाहता। रामलखन पढ़ने में तेज है तो उसे थोड़ा सा सहारा चाहिए। जी मैं आपकी बात समझ गया। अनुदेशक को चाहिए कि वे प्रतिभागियों की गिनती ना करें, उनकी उम्र व्यवसाय को देखते हुए उनके व्यक्तित्व को पहचाने। हर प्रतिभागी की मानसिकता को समझकर पढ़ने लिखने में उनकी रुचि को स्थिर बनाए रखने का प्रयत्न करें, तभी तो वे अपना विकास कर सकेंगे। अच्छा यो बताओ पद्मा, ये तुमका यहाँ दिखाई का देत कुइया के आसपास? हमका तो यहाँ गड्ढा पानी और गंदगी दिखाई दे था। और तुमने यहाँ जानती हो कि यहाँ पानी धीरे धीरे जमीन के भीतर जाते है और बाहर पानी कुआं में आवत है? काहे नहीं जानी थन, यू तो हम सभी लोग जानती हैं। तो यहाँ जानती हुई हो कि यहाँ गंदा पानी हम सब जनी पीतो हन, और यही गंदे पानी में छोटे छोटे रोग के कीटाणु रहत है। अच्छा, हम भी बीमारी का जड़ ई पानी आए, और जो ये पानी भरा रहा देते हम लोग तो इमा मच्छर भी हो जाते हैं। यू तो हम हो जानित है मगर मगर हम लोग कबो सोचबे नहीं भय, लेकिन अब हमका इधर ध्यान देख पड़े कि हम ई गंदगी का कैसे दूर करी। यही कि कुएं के आसपास पानी न डाला जाए ज्यादा। हम लोगन का चाही यहाँ कुइया पर कपड़ा न धोई के कहीं और चल के धोई ले। हम लोगन का चाही की पानी यहाँ न भरे दे, वही के लिए एक नाली बना ले। आई जो गड्ढा है इस गड्ढन का मिट्टी से ने पाट दे। देखा आपने, प्रतिभागियों को समझाने का ये तरीका कितना आसान है। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो इनके जीवन में रोज घटती हैं, जिनको ये जानते हैं, अनुभव करते हैं, पर उनको कभी गंभीरता से नहीं लेते। अनुदेशक को चाहिए कि वे एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें ये स्वयं से प्रश्न कर सकें और स्थिति की गंभीरता को समझ सकें, ताकि इनमें जागरूकता और आत्मबल बढ़ाया जा सके।
राम राम दादा। राम राम। क्या सोच रहे हो? का बताई, फसल हुई गए खराब तो हम सोचन की खाद डाल दी, अब कहूं हुई गए ज्यादा और कहूं हुई गए कम। ये कैसे हुएगा कुंदन? जैसे दुकानदार बताइस वैसे है हम किए। यानी दुकानदार पर तुम्हें आश्रित होना पड़ा? खाद की बोरी पर लिखे हुए निर्देश तुमने नहीं पढ़े थे क्या? दादा अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते तो शायद ऐसा ना होत। अब देखो कुंदन भैया, पहले तुम्हें अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। अब का बताई दादा, मिट्टी की जांच कहाँ करवाई? कोई बड़ी बड़ी इमारतन में बैठे बाबू, हम छोटे आदमी की बात सुनी है? भैया ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं और उसके कर्मचारी हैं जो तुम्हारी मदद के लिए हैं, फिर वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? दादा हमका वन जाट डर लागत है, कोई बड़े बाबू कहूँ हम पर बिगड़ ना जाए। अरे भैया भला वो लोग तुम पर क्यों बिगड़ने लगे? वो तो तुम्हारे खेत की मिट्टी की जांच करते हैं और तुमको बताते हैं कि मिट्टी में क्या कमी है और तुम्हें कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो ठीक है दादा, तब तो हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। अनुदेशकों को चाहिए कि वे प्रतिभागियों को साक्षरता ज्ञान देने के साथ साथ ऐसी शिक्षा भी दें जिससे उनमें आत्मसम्मान बढ़ सके। वे दूसरों पर निर्भर ना करें, अपनी बात बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों से स्पष्ट रूप से कह सकें। कुसुम बहन। अरे गीता तुम? हाँ मैं। आओ आओ बैठो बैठो। बहन हाँ? कल तुम केंद्र पर क्यों नहीं आई? तुम तो जानती हो गीता कि घर के सारे लोग छोटी छोटी सब बातें मुझसे ही पूछते हैं, मेरी राय लेते हैं और जो मैं कहती हूँ ना वही करते हैं। हाँ घर पे तो आपके बगैर चल ही नहीं सकता है। अब तुम ही बताओ ना गीता, केंद्र में छोटी छोटी बातों के लिए सबके सामने नीचा देखना पड़ता है। हाँ दीदी घर वाले तो आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं। और वो सरोज कल की लड़की मास्टरनी की तरह पढ़ाती है, हमसे भैया ये सब नहीं होता है। लो वो आ रही हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कल आप केंद्र पर नहीं आई, सोचा आपसे जाकर मिल लो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। अब तो सरोज तुम जानती ही हो दीदी को घर पर कितना काम करना पड़ता है। हम साफ साफ कह देते हैं सरोज कि तुम मास्टरनी की तरह हमको पढ़ाती हो, यू हमको अच्छा नहीं लगत है। अच्छा तो ये बात है दीदी। दीदी आप हमसे उम्र में काफी बड़ी हैं, आपके घर में आपका मान सम्मान भी ज्यादा है और आप मुझसे ज्यादा कुछ जानती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगी तो इसमें आप ही का बढ़ावा होगा, और दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, बड़ी ही रहेंगी। प्रौढ़ों का अपने परिवार के साथ जीवन गुजारने का अपना एक अलग ढंग है। शिक्षा द्वारा हमें उनके जीवन में रहन सहन के स्तर में उनके व्यक्तित्व में निखार लाना है। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे अपने जीवन को सरलता पूर्वक गुजार सकें। अनुदेशक को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने जीवन के मूल्यों को पहचान सकें। भाइयों हमने शायद अपने केंद्र का स्थान बदल दिया है, इसलिए आज बाकी लोगों को आने में देर हो रही है। हो सकता है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। तो इकबाल में आप ये बताइए, हम गांव वालों की समस्याएं कौन कौन सी हैं? भैया ऐसा है कि अपने गांव में अस्पताल नहीं है। अच्छा तो ये बताओ अस्पताल ना होने से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं? दवा नहीं मिलती है। हाँ हाँ कुछ और? अस्पताल ना होने से ऐसा है भैया कि घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हमको हाँ हाँ बोलो बोलो उसके लिए रुक क्यों गया? ऐसा भैया दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। अच्छा और कुछ? अब क्या बताएं भैया। प्रहर अपने अनुभव से बहुत कुछ जानते हैं पर अपनी बात कहने की क्षमता उनमें नहीं है। वे शब्द तो जानते हैं, उनका अर्थ भी समझते हैं, पर किस प्रकार अपनी बात कहनी चाहिए ये नहीं कर पाते। इसके लिए अनुदेशक को चाहिए कि वह प्रतिभागियों से शब्दों की पहचान करवाए, उनका प्रयोग बताए
ताकि वह अपनी बात को स्पष्ट और क्रमबद्ध ढंग से कह सकें, इसके लिए समय समय पर प्रतिभागियों से समूह चर्चा करवाए। क्यों अनुदेशक जी, क्या आप जानते हैं प्रौढ़ अपने भाव व्यक्त क्यों नहीं कर पाते? जी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या लिखा है जरा बताइए तो। काम। आपने कैसे पहचाना? जी पढ़कर। ये एक चिन्ह है जिसकी आवाज काम है। ये हमें बचपन से सिखाई गए है, इसकी पहचान भी कराई गई है, पर तब हमारे पास इसका अनुभव नहीं था। प्रौढ़ों के पास इसका अनुभव है, वे इसकी आवाज को जानते हैं पर इसके अक्षरों को नहीं पहचानते। अनुदेशक को चाहिए कि वे आवाज के द्वारा शब्द और अक्षरों की पहचान करवाए। ये अक्षर चिन्ह या आकार इनको दिया जाता है। प्रतिभागी जब इनको पहचानने लगता है, इनको समझने लगता है, तब वह अपनी बात को अधिक आसानी से, सरलता पूर्वक, बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता है, लिख पढ़ सकता है, जो उसका व्यक्तित्व बनाने में सहायता करता है। हाँ तो भाइयों, आज हम सभी लोग मिलकर एक कहानी कहेंगे। उस कहानी की शुरुआत मैं करूँगा और उस कहानी को आगे बढ़ाने का जिम्मा आप सभी लोगों का है। आप सब लोग उसे मिलकर आगे बढ़ाएं और उसे खत्म भी आप ही लोगों को करना है। तो कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ। कहानी इस तरह है कि किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी शादी उसी गांव की राधा नाम की एक लड़की से हो गई। 4 साल के बाद दहेज ना मिलने के कारण मोहन ने राधा को छोड़ दिया। अब आप बढ़ाइए इस कहानी को आगे। उदास राधा अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। राधा के पड़ोस में किशन रहत रहे, वही की 2 भाई और 1 बहन रहे, वही की माँ बहुत बीमार रहत रहे। राधा ने किशन की माँ और उसके परिवार के सदस्यों की खूब सेवा की। किशन की माँ ने सोचा क्यों ना राधा को अपनी बहू बना ले, और ये बात उसने अपने भाई से कही। किशन के मामा और समाज के लोग नाराज हो गए, क्योंकि जाति का बंधन, राधा का बच्चा और दूसरी शादी समाज को मंजूर नहीं थी। समाज के कहने पर किशन की माँ ने गांव छोड़ दिया, लेकिन राधा को अपनी बहू बनाया और उसके बच्चे को बाप का नाम भी दिया। प्रतिभागियों के व्यवहार को उनके मूल्य किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अनुदेशक सोचने विचारने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रतिभागियों से समूह में रचनात्मक कार्य करने को प्रेरित करें, ताकि वे अपने जीवन के मूल्यों को पहचान सकें, उनमें परिवर्तन ला सकें। अच्छा तो भैया लोगों, अब आप लोग अपनी किताबें बंद कर देंगे। अब हम आपसे कुछ और बात करना चाहेंगे। अच्छा तो ये बताइए आप लोग, अपने इस गांव में आने जाने का रास्ता कैसा है? अरे भैया बहुत ही खराब है। क्यों? अरे कुछ पूछो नहीं, और बरसात में तो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो क्या हम लोग अपनी इस कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क नहीं बनवा सकते? प्रधान जी कोशिश तो कर रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ। तो आप लोगों ने प्रधान जी से नहीं पूछा? तो भाई हम लोग अब प्रधान जी से कैसे पूछ सकते हैं? भाई क्यों नहीं पूछ सकते? भैया इमा वही क्या कर सकते हैं? भाइयों, गांव के प्रधान जी और विभागों के अन्य अधिकारी गण सब आप लोगों की सेवा के लिए हैं। अगर आप उन लोगों से प्रश्न नहीं करेंगे तो आपको जवाब कहां से मिलेगा? देश के हर नागरिक को जितना प्रश्न करने का हक है, उतना ही उसका सही जवाब पाने का भी हक है। अच्छा भैया, आज ही हम प्रधान जी से पूछे थे। जिस काम में देर हो रही है उसके बारे में आप उस विभाग के उच्च अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकते हैं। समझ गए ना आप लोग? प्रौढ़ों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको कानूनी अधिकारों का भी ज्ञान कराना होगा। इतना ही नहीं, इन अधिकारों को पाने के लिए उनमें नई चेतना, जागृति और आत्मविश्वास पैदा करना होगा, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और जीवन में उनका उपयोग कर सके। प्रौढ़ों के साथ व्यवहार करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी व्यवहार से उन्हें आघात न लगे और उनमें हीन भावना न पनपे। वे निरक्षर हैं पर अनुभवी और जानकार हैं। अनुदेशक को चाहिए कि उनकी मानसिकता को समझें, समानता का व्यवहार करते हुए उन्हें साक्षर ही न करें, वरन उनमें जागरूकता भी लाएं, जिससे प्रौढ़ों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि उनके विकास से परिवार का
परिवार से गांव का और गांव के विकास से ही सारे देश का विकास संभव है। प्रौढ़ों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझें। प्रौढ़ों की मानसिकता को समझकर उनके साथ व्यवहार करें। प्रौढ़ों में चेतना, जागरूकता, आत्मविश्वास पैदा करें। प्रौढ़ों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता दें। शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा प्रौढ़ों में व्यवहारिक दक्षता बढ़ाने का प्रयत्न करें। प्रौढ़ों को उनके कानूनी अधिकारों का ज्ञान दें। साक्षरता अर्जित करने में प्रौढ़ों की प्रगति मूल्यांकन के संबंध में प्रवर्तन करें। प्रौढ़ों के अंदर ऐसी सूझ उत्पन्न करें कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए।